Hi everyone, so welcome back to my channel Shraddha's Craft Studio. I hope so you are doing very well and I am too. वैसे आज मैं एक ऐसा DIY बनाने वाली हूँ, अगर आप ये कॉम्पिटिशन में बनाते हैं ना पक्का फर्स्ट आएंगे, एंड अगर आप ये घर पे बना के लगाते हैं तो सब पूछने वाले आपसे आखिर आपने ये ख़रीदा कहाँ से, इतना यूनिक पीस तो कहीं नहीं मिलने वाला। एंड ये टोटली वेस्ट मटेरियल से बनने वाला है, इसमें कोई भी ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं होने वाले हैं ना ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ होने वाले। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने ये न्यूज़पेपर के स्ट्रॉस पे पहले मैंने गोल्ड पेंट किया था, बट वो नहीं दिख रहा था अच्छे से, तो पहले मैंने व्हाइट किया, देन आफ्टर अगेन मैंने गोल्ड किया। ये मत सोचिएगा कि अब सबसे गलती नहीं होती है, गलती तो सबसे होती है, बट यस आपको उसको करेक्ट करना आना चाहिए। देन यहाँ पे मैं ये स्ट्रॉस को रेक्टेंगल शेप में लगा रही हूँ, मैंने कुछ स्ट्रॉ को हाफ कट कर लिया एंड कुछ को एज इट इज़ रहने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉ का मेटेलिक लुक आ रहा है। एक्चुअली जो मैंने पीस देखी थी किसी के घर पे वो पूरा मेटेलिक था, तो मैं मेटेलिक तो नहीं बना सकती थी, तो यहाँ पे मैंने गोल्ड पेंट यूज़ किया। न्यूज़पेपर इतना अच्छा लुक देगा ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एंड बीच में भी सेम मेटेलिक लुक देना था बट पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट यूज़ किया एंड उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया। आखिर हम इंडियंस हैं, जुगाड़ तो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम पेपर्स के फ्लावर्स बनाने वाले, एंड यस इसको भी मेटेलिक लुक देना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बाय द वे बिल्कुल भी एक या दो दिन में नहीं बनी है, इसको बनाने में मुझे पूरा 1 वीक लग गया। कभी कोई सामान नहीं मिल रहा था, कभी मेरा मन नहीं कर रहा था, इट्स लाइक आलस, एंड कभी सामान नहीं मिल रहा था। सो प्लीज़ आप इस पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत की है पूरी 1 वीक। सो ये लीव्स को मैंने आपस में स्टिक कर लिया एंड बीच में ग्लिटर शीट के ऊपर मैंने मिरर स्टिक किए हुए हैं, एंड सी ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये हमने अपने मेन पीस के ऊपर स्टिक करना है, सो ये जो मिरर वाले पीस थे वो भी मैंने कुछ स्टिक किए ताकि लुक उसका काफ़ी अच्छा है, बट एज यूजुअल वो डायरेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, तो देन आफ्टर मैंने उसके पीछे पेपर स्टिक किया। एंड सबसे बड़ी गलती, मैं कलर करना भूल गई थी लीव्स के ऊपर गोल्डन कलर, वो एक दिन और वेस्ट हो गया उसके चक्कर में। देन नेक्स्ट डे मैंने ये गोल्डन पेंट किया है फ्लावर्स के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये DIY मेरा अब तक का फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। अगर आपको भी पसंद आया होगा देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप ये कॉम्पिटिशन बना रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। एज यू कैन सी, फ्लावर के ऊपर गोल्डन पेंट करने के बाद ज़्यादा नहीं पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली पेपर है, इसकी लुक काफ़ी अच्छी हो गई। वैसे आपको ये कैसा लगा मेरा वॉल हैंगिंग, वो भी टोटली वेस्ट मटेरियल से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई पर्सनली लव दिस वन DIY। एंड टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट DIY, वी वॉन्ट अ रोल। येस हमें ये कोई भी टिश्यू पेपर के बीच में तो ईजिली अवेलेबल होता है, मिल जाता है। एंड येस यहाँ पे हमें बनाने के लिए चाहिए मिरर्स एंड ग्लू एंड वॉल पुट्टी, ये 3 इन्ग्रीडियंट से हमारा DIY रेडी हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे मैंने रैंडम पैटर्न्स में बहुत सारे मिरर स्टिक कर लिए हैं, जहाँ पे बची हुई स्पेस थी वहाँ पे मैंने मिरर स्टिक कर दिए रैंडमली। बाय द वे इतना सारा DIY बना के मैं तो थक ही गई। अगर आपको मेरा DIY पसंद आया होगा देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी अप्लाई करना चालू कर दिया है, जस्ट वॉल पुट्टी में आपको वाटर इंक्लूड करना है एंड ये हो जाएगा। यहाँ अगेन मैं हाथ से रब करना चालू कर दी हूँ, आलस नहीं लेकिन अच्छे से रब हो रहा था तो मैंने करना चालू कर दिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।